नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज एक नए सवाल के साथ हम आए हैं जो काफ़ी दिनों से हमारे पास आ रहा है। एक क्वेश्चन कि किसी एक व्यक्ति का क्वेश्चन है कि हाउ डू आई सेल माई स्टार्टअप आइडिया इन इंडिया। तो मतलब कि वो चाहते हैं कि कोई आइडियाज, स्टार्टअप का आइडियाज बनाएं और वो आइडिया को कैसे सेल करें मार्केट में, ताकि उनको कोई खरीदे या फिर उस बिजनेस को चालू कर पाए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसके बारे में चलिए बात करते हैं। पहले तो आप जान लीजिए कि स्टार्टअप होता क्या है। स्टार्टअप का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने किसी भी बिजनेस को नया चालू कर दिया और उसको आपने स्टार्टअप नाम दे दिया। स्टार्टअप में सबसे मेन है कि अगर आपका बिजनेस है, अगर आपका स्टार्टअप को लेना चाहता है या आप उसको सेल करना चाहते हैं, तो उसका कुछ पैरामीटर्स है। जैसे आपने क्या बिजनेस मॉडल बनाया, क्या आप सोल्यूशन दे रहे हैं लोगों को। सपोज़ कीजिए, अगर कोई पहले से ही किसी चीज़ पे बहुत भीड़ है और आप ऑर्थोडॉक्स तरीके से कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसको आप स्टार्टअप नाम देते हैं, तो उस आइडिया को ना कोई लेना है और ना कोई खरीदना है और ना वो मार्केट में चलना है। स्टार्टअप मतलब हुआ कि आप क्या प्रॉब्लम आप अपने एरिया या किसी एक स्पेशलाइज चीज़ पे जिसको आप फेस कर रहे हो अपने लाइफ में, प्रॉब्लम को, उस प्रॉब्लम को आप कितने अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं, कितने अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं, ताकि लोग उस काम को करने में उतने ही आसान तरीके से कर पाएँ और उनको परेशानी ना हो, क्या सॉल्यूशन आप दे रहे हैं। तो वो होता है स्टार्टअप। जितना अच्छा से आप किसी काम को करने का सहूलियत लोगों को दीजिएगा, उसका बिजनेस मॉडल बनाइएगा, उसका प्रॉपर तरीके से टेक्नोलॉजी फॉलो कीजिएगा कि क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है आज के ज़माने में और आप क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उस बिजनेस के लिए, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है या नहीं है, ये चीज़, ये होता है स्टार्टअप का मेन फंडा। उसके बाद आपको उसमें बनाना पड़ेगा कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आप कैसे ऑपरेट कीजिएगा उस बिजनेस को, कहाँ से पैसा लाइएगा, पैसा कैसे आप अरेंज कीजिएगा, उस पैसे का यूटिलाइजेशन क्या होगा, आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, कितने दिन में आप कंपनी को प्रॉफिट में बदल पाइएगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ताकि उस आइडिया को खरीद के कोई फंड लगा सके या एंजल इन्वेस्टर का पैसा लगाए या वेंचर कैपिटलिस्ट का पैसा लगाए। ये सारा चीज़ आपके दिमाग में प्रॉपर और क्लियर एज ए प्रोजेक्ट पे रहना चाहिए। अगर इस तरह का कोई सोल्यूशन अगर आप देना चाहते हैं और आपके पास है यूनिक आइडिया है, तो फिर आप उस पर बनाइए और उसमें पैरामीटर लगाइए क्या टेक्नोलॉजी फॉलो, जैसे मैंने 4-5 चीज़ें बताया। उसके बाद इसका सिक्योरिटी की बात आएगी। सपोज कीजिए आपने बना लिया सारा कुछ और आप इनसिक्योर ऐसे ही किसी के पास चले जाइए क्योंकि ये हमारा स्टार्टअप आइडिया है, आप इसको लीजिए, तो कोई भी उसको लेने या खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। आप अपना कंपनी फॉर्म कीजिए, उसमें उसका ट्रेडमार्क करवाइए, उसका प्लान का कॉपीराइट करवाइए, क्यूएमएस सर्टिफिकेशन करवाइए, उसको इंप्लीमेंट करके कम से कम 1 साल आप चला के दिखाइए लोगों को कि हाँ ये बिजनेस है और ये स्टार्टअप मेरा आइडिया है और ऐसे चलता है। उसके बाद अगर आप ये किसी को भी अपना आइडिया सेल करते हैं या अपना कंपनी सेल करते हैं पूरा स्टार्टअप का, तो आपके लिए बहुत ही आसान है। सिर्फ पेन और पेपर पर स्टार्टअप का आइडिया बना के विदाउट इम्प्लीमेंटेशन आप अगर किसी को सिर्फ प्लान भेजते हैं, तो वो सिर्फ एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, स्टार्टअप उसका नाम नहीं दिया जा सकता। तो ये हमारा व्यू है स्टार्टअप के बारे में। इस तरीके से आप स्टार्टअप पे काम करके और सारी चीज़ें जो मैंने बताई उसको बना के आप चाहें तो अपना बिजनेस स्टार्ट करके किसी को भी इंडिया में या इंडिया के बाहर किसी को भी अपना स्टार्टअप आइडिया सेल करते रहते हैं। ये होता है आपको स्टार्टअप आइडिया सेल करने का तरीका। इसके अलावा भी अगर कुछ जानना हो आपको स्टार्टअप के बारे में, नए सब्जेक्ट के बारे में, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, तो आप हमारे कॉन्टेक्ट में रहिए, हमारे